अक्षय तृतीयाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तो मुझे नहीं पता कि हिंदी में या बाकी लैंग्वेज में इस त्यौहार को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, नहीं पता, बट इन मराठी अक्षय तृतीया सेलिब्रेट किया जाता है. तो बस इसीलिए तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर फॉर अ लंच. जी हाँ, आज घर पर लंच नहीं बन रहा है मेरे, मैं जा रही हूँ मम्मी के घर. एंड अभी मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड लगाया है, जो कि मैंने आई थिंक मिक्स कर दिया, नहीं, ये शेड है मैनहट्टन मेडन 12 और ये है NY बे की लिपस्टिक, जो कि मेरी फेवरेट है. आप सभी को पता है कि कितनी अफोर्डेबल है. और मेरे पास और चार शेड है जिन्हें मैं बाद में दिखाऊंगी, एंड आई एम श्योर ये पिंक शेड्स देखकर आप एकदम फ्लैट हो जाएंगे एंड आप मुझे थैंक यू बोलेंगे थैंक यू सो मच किरण की इतनी अच्छी लिपस्टिक शेड्स तुमने सजेस्ट की. तो बस अभी तैयार हो रही थी एंड यू गाइस कैन सी कि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि तैयार होने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आजकल, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तो पसीना 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 आने लगता है. सो व्हाट आई डू कि मैंने बस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लिया है और थोड़ा सा बीबी क्रीम लगा ली है और बस अभी मुझे आईब्रोज फिलअप करने हैं. एंड बाय द वे, मेरी आईब्रोज बहुत बढ़ चुकी है, तो आज कोई भी हालत में मुझे ब्यूटी पार्लर पक्का जाना है और मुझे अपनी थ्रेडिंग करवानी है और अपर लिप्स भी करवाने हैं. तो जी हाँ, उसके बाद थोड़ा सा जो चेहरा है थोड़ा क्लीन लगता है. और आज मैंने पहना है न्यू, ये न्यू आउटफिट नहीं है, बट जो मैंने लोअर पहना वो न्यू है, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी. एंड या एक्चुअली मैं तैयार हो जाती हूँ एंड फिर मैं आपसे थोड़ा बात करती हूँ एंड फिर हम जाएंगे मॉमी लैंड. ओके, आई गॉट रेडी एंड बस मैंने मेकअप में कुछ भी नहीं किया, बस मस्कारा और अपनी आईब्रोज को फिलअप किया है और ये नेकलेस जो बहुत दिनों के बाद मैंने पहना है. तो चलिए मैं आपको क्विकली आउटफिट दिखाती हूँ. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं मम्मी के घर पर आज लंच करने आने वाली हूँ, क्योंकि अक्षय तृतीया है, तो यहाँ पर अक्षय तृतीया स्पेशल लंच बना है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ. तो मैं बताती भी हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है. चलिए देखते पहले. तो ये है, सबसे पहले आप सभी को पता है, केले का पत्ता, और इसी में सर्व किया जाता है खाना, या फिर और भी पत्ते आते हैं उनके ऊपर भी खाना सर्व किया जाता है. मेनली स्टील के बर्तन या प्लेट्स नहीं यूज़ की जाती. तो ये है चावल के पापड़ जो मैं उस दिन खा रही थी कच्चे, ये वही तले हुए हैं और इसको मराठी में कुरडी बोलते, हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता. और ये दाल जो होती है उनके मिक्स वड़े हैं और इन वड़ों की ही ये सब्जी बनाई गई है रस्से वाली. और ये है आटे की सेवई जिसे खाया जाता है इस आम रस के साथ. और इस बार मेरी मॉम को अल्फोंसो जो मैंगो है वो अच्छा वाला नहीं मिला, तो उन्होंने नॉर्मल वाले मैंगो का मैंगो जूस बनाया है, आम रस बोलते जिसे. और रोटी, तो ये है आज का मेन्यू.
कड लागला मम्मी जेवण बनवायला. दोन तास. अच्छा. आमरस कोणी पापाने बनवलं? पप्पानी बनवलं आमरस. केळीची पानं आणायला गेले त्यांना मिळाली नाही. मी गेली केळीची पानं मिळाली. हापूस आंब्याची पेटी मागवली जेवगडवरून, पण ती कशी झाली की आज उद्या करून करून अजून आजपर्यंत घरापर्यंत आलीच नाही. म्हणजे 5 डझन आंब्याची. मग शेवटी मार्केटमधून जाऊन जे आंबे मिळाले, कारण मार्केटमध्ये पण सांगितलं की सगळा माल संपला. आणि शेवई कधी बनवली? शेवई 8 दिवसाच्या पहिले. कुठे? तिथे जाऊन तो बनवले. फोन दे मला. ओके, तो खाना पीना हो चुका है और मेरी मम्मी मुझे लेके जा रही है मेरा बर्थडे गिफ्ट लेके देने के लिए. एकदम भाग भाग कर कि बेटा तू आई है तो चल बस. और जैसे मैंने खाना ख़त्म किया वैसे ही मेरे को एकदम लेके जा रही है कि चल अभी चल. मैंने ला भाई चलो. और ये मेरी मम्मी है. हेलो करो. हेलो. चलो फिर पहले जाकर मैं लेकर आती हूँ. बहुत धूप है एक्चुअली बाहर. ओके, तो बहुत सारी अंगूठी की ऑप्शंस दिखाए हैं भैया लोगों ने मुझे और काफ़ी कंफ्यूजन हो गया. तो मम्मी मी या 3 रिजेक्ट करते. ये 3 दिखाई थी जो कि हम लोगों ने ओवरऑल फाइनल की थी, बट अभी रिजेक्ट कर रही हूँ. और मैं 1 ले रही हूँ बट मम्मी पीछे पड़ गई है कि 2 ले लो मेरा. तो अक्षय तृतीया आज मतलब वो हो गया, डबल धमाका हो गया. तो एक ये है जो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी. एक ये है और कुछ इससे बेटर है तो दिखा दो. ऐसा अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कुछ है आपके पास तो. पसंद नहीं है आपको ना? नहीं, मुझे रेगुलर वेयर के लिए चाहिए जो मैं डेली. तो बस यही मेरा आज का शॉपिंग है जो कि मम्मी करवा रही है. अक्षय तृतीया स्पेशल. एक है बर्थडे गिफ्ट और एक है शादी. आपको और अच्छी लगेगी? नहीं है तो बहुत अच्छी भी है बट काफी हेवी है. हाँ ठीक है, मम्मी है. मम्मी है. ओके, सब प्लेन कास्टिंग में अच्छी अच्छी डिजाइन दी वैसे. ओके, तो चलिए मैं कुछ तो खरीद लेती हूँ, फिर आफ्टर ऑल आप ही को दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा है. ठीक है, जस्ट 1 मिनट हो गया है मेरा लेकर. ओके,
ओके, तो मम्मी ने मुझे काफ़ी सारी गिफ्ट्स खरीद के दी है, बर्थडे प्री बर्थडे, तो थैंक यू मम्मी। और अभी मैं जा रही हूँ अनिका को लेने, एक्चुअली टाइम हो चुका है। वेलकम बेटा, चलो बाय बाय। मम्मी मेरा लिपस्टिक कैसा है? हाँ बहुत वेरी नाइस, सुंदर और बहुत सुंदर दिखती है मेरी बेटी। चल भी जाते, बाय बाय बेटा। तो मैं आ चुकी हूँ अनिका को स्कूल से लेकर, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है बाहर, इसलिए मैं जैसे घर पर आई सबसे पहले मैंने अपने बालों को ऊपर बांध लिया है। और ये है अंगूठी जो कि आप देख सकते हैं। पर अभी आपका बर्थडे नहीं है, आज तो 18 है, आपका तो 23 को बर्थडे है। हाँ बट नानी ने मुझे पहले ही दे दिया है, तो ये एक अंगूठी लेके दिया है मम्मी ने और एक ये लेके दिया है, और दोनों ही मुझे घर पहनने के लिए परफेक्ट है। मुझे मतलब वैसी बड़ी सी डायमंड वीमंड वाली अंगूठी थोड़ी कम पसंद आती है। एक्चुअली मम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम कान के ले लो और अंगूठी ले लो, मतलब जो भी तुमको बर्थडे गिफ्ट चाहिए वैसे डिसाइड कर लो। सो फिर मैंने सोचा कि यार कान का तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा मतलब मैं ऐसे वाले ही पहनती हूँ, आप सभी को पता है। तो मेरे जो पुराने गोल्ड के कान के हैं ना, वो अभी भी पड़े पड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि वापस और क्या मैं कान के लूँ, उससे अच्छे रिंग्स ही ले लेती हूँ, क्योंकि रिंग्स तो एटलीस्ट मैं पहन लेती हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे करो, दो रिंग्स लो बट ले लो। अब मम्मी तो मम्मी है, मैंने बहुत बोला मम्मी मुझे बस एक रिंग दे दो, बस बहुत है, नहीं दो लो, एक शादी के लिए और एक तुम्हारे बर्थडे के लिए। फिर मम्मी के सामने भाई किसकी जीत चलती है, फिर मैंने एक ये ले ली और एक ये ले ली। सो थैंक यू सो मच मम्मी फॉर दिस बर्थडे गिफ्ट एंड आई रियली लव यू। ओके, वन मोर थिंग, लव यू से याद आया, मेरी जो लिपस्टिक है ऑन प्लेस है, बिल्कुल भी स्मज नहीं हुई, ब्लेड नहीं हुई, एकदम अच्छे से है। 4-5 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैंने खाना खाया, जूस पिया, पानी पिया, और खाने में तो कितनी सारी चीज़ें खाई आपने सब देखा, बट स्टिल माई लिपस्टिक ऑन प्लेस, नाइस ना। तो अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, और इसके 3 और शेड्स हैं जिन्हें मैं आपको इसी के बाद तुरंत दिखाऊँगी। सो प्लीज़ देखिएगा और मुझे बताइएगा इन चारों में से आपका फेवरेट पिंक लिप शेड कौन सा है। तब तक अनिका आई है स्कूल से, तो उसका रूटीन वगैरह मैं करती हूँ। ओके, सो प्लीज़ देखिएगा एंड मुझे पक्का बताइएगा नीचे। हेलो एवरीवन, जस्ट किडिंग। तो मेरा ऑफिस हो गया है खाली क्योंकि सब लोग चले गए हैं घर, और बस मैं भी आई हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस बंद करना था। मेरी जो हाउस हेल्पर है पूजा, एज यू नो गाइस, वो गाँव गई है, तो ये सारा काम मुझे करना पड़ रहा है आजकल, और जब पूजा रहती है तो वो बंद कर देती है, सो मुझे बंद करना है। बट अच्छा लग रहा है इस समय, मज़ा आ रही है, ऑफिस खाली है, मैं जो चाहिए वो कर सकती हूँ। और कुछ रिक्वेस्ट है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, जब नेक्स्ट टाइम मैं खाली ऑफिस में रहूँगी तो मे बी आपका ये जो कमेंट है उसे पूरा कर दूँगी। जस्ट किडिंग। एंड आपको लिप शेड्स कैसे लगे, अच्छे लगे? कौन सा शेड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ बताइएगा। एंड लुक एट गाइस, कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, लिप शेड अभी भी मेरे लिप्स पर है, हल्का सा फेड हुआ है बट दैट्स टोटली नॉर्मल, क्योंकि अभी अभी मैंने खाया है समोसा पाव, तो इतना तो नॉर्मल है, मतलब यार कोई भी लिपस्टिक थोड़ी बहुत तो फेड हो जाएगी इतनी बार खाना खाने के बाद। सो
आई लव्ड इट, मतलब मस्त है। तो चलिए ऑफिस वगैरह बंद करती हूँ और घर जाती हूँ, और घर के भी काम बहुत सारे करने हैं भाई। मेरी जो मेड है वो नहीं है, तो मेरी अच्छी खासी बैंड बज जाती है। ओके, तो मेरा भाई आया था, उसके जो फ़ोटोशूट मैंने की थी आपको बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, तो उसी फ़ोटोशूट की जो फ़ोटो थे उसे लेने थे, तो इसीलिए वो आया था। बट थोड़ा सा काम जो है फ़ोटोशूट वाले पिक्चर्स का रह चुका है, तो कल उसे मैं वो सारे फ़ोटोज़ दे दूँगी। और बहुत सारी मस्ती फन हुआ, फिर उसकी हनीमून की प्रिपरेशन भी हुई कि मिस्टर विशाल कहाँ जाएगा क्या जाएगा, फिर बुकिंग एंड ऑल, उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। और इसलिए मैंने आज जो डिनर है काफ़ी आसान सा बनाया, क्योंकि ऑफ़िस भी गई थी, ऑफ़िस से भी मैं काफ़ी लेट आई, मतलब 7:30 बजे आई। उसके बाद मैं एक्चुअली आज पार्लर भी गई थी, और आज मैं रुक्मिणी जी से भी मिली थी रास्ते में। तो थैंक यू सो मच रुक्मिणी जी, जो आपने मुझे पहचाना और इतना स्वीट स्वीट मेरे लिए बोला, अच्छा लगा आपसे मुझे मिलकर। और पार्लर तो गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, पर बहुत बड़ी लाइन लगी थी, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 लोग मेरे सामने थे, तो ऑलमोस्ट मुझे 20-25 मिनट का वेट करना पड़ता। तो फिर मैं घर पर आ गई और मैंने सोचा कि मैं फ्राइडे को कर लूँगी। और फिर ये हुआ कि विशाल भी आ गया था, तो विशाल के साथ भी काफ़ी टाइम चला गया, इसलिए फिर मैंने जो आज के डिनर में काफ़ी सिंपल सा बनाया, राइस एंड चने की दाल एंड लौकी की दाल, मतलब चना और लौकी दाल वाली दाल बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है। और अनिका को मैंने खिला दिया है। उसके बाद मैंने अच्छे से फेस वॉश किया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और आज लिपस्टिक के बारे में भी मैंने आपको बताया, इस लिपस्टिक को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ अपने एक ब्लॉग में, तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आपको भी इस लिपस्टिक के बारे में और जानना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए लिंक मेंशन कर दूंगी। और ये लिपस्टिक जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, 99 रुपीज़ की आपको मिलती है ऑफ़र में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छे से ग्लाइड हो जाती है आपके लिप्स पर, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, और बिल्कुल भी ब्लीड नहीं करती है, और प्लेस पर जस के तस रहती है, और किस प्रूफ भी है, मतलब बहुत ईजीली ट्रांसफ़र नहीं होती। सो ओवरऑल 100 रुपीज़ में आपको दी बेस्ट लिपस्टिक मिल रही है, मतलब लैक्मे की या कलरबा की या मेबिलिन की जो लिपस्टिक्स की रेंज चालू होती है ना, वो रेंज चालू होती है 200, 250, 300, बट वही रेंज की लिपस्टिक आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में NYBA की मिल रही है। तो मेक श्योर करें अगर आपको एक बार देखना हो तो। और बस तो चलिए अभी जाकर डिनर कर लेती हूँ, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, अनिका बस सोने की तैयारी कर रही है, और बस चलो फिर मैं डिनर कर लेती हूँ। ओके, तो फाइनली मेरा जो डिनर है वो हो चुका है, और आज का दिन कैसा आया और कैसा गया मुझे कुछ नहीं पता चला, मतलब काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और अक्षय तृतीया तो आज मेरे लिए काफ़ी अच्छी गई है। और आई रियली होप कि आपकी भी अच्छी गई होगी। आपने आज के दिन पर क्या किया है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। ओके, और आज का जो हैशटैग है वो है हैप्पी डे। जी हाँ, आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया, इसलिए हैप्पी डे। और आज आपने क्या किया है प्लीज़ बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर मैं सोती हूँ,
कल के न्यू व्लॉग के साथ, न्यू पॉजिटिविटी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ मिलती हूँ। अब मैं पूरी तरह से मतलब थक चुकी हूँ, बस मुझे थोड़ा सा काम है एडिटिंग का, वो मैं ख़त्म करूँगी और फिर मैं सोऊँगी बाय द वे। सो चलिए फिर करती हूँ, गुड नाइट, बाय बाय।